आप देख रहे हैं हिमाचल एक्सप्रेस सच का साथी। बद्दी में एक इलेक्ट्रॉनिक्स व घरेलू सामान की दुकान में आग लगने से 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि फायर ब्रिगेड की तुरंत कार्रवाई के चलते करोड़ों की संपत्ति बचा ली गई। इस हादसे में दुकान के मालिक के आग से हाथ झुलस गए। मिली जानकारी के अनुसार बद्दी के साई मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। पहले तो दुकान के मालिक जितेंद्र ग्रोवर व आसपास के दुकानदारों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग को बढ़ता देख दमकल विभाग बद्दी को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आकर मोर्चा संभाला और करीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक दुकान में रखे पंखे, गद्दे, अलमारियां, सिलाई मशीन व अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया था। सूचना लगभग 6:30 बजे के करीब मिली। जैसे हमें सूचना मिली तुरंत फायर टर्न आउट पर माना किया गया। मौके पर देखा गया कि आग एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में दुकान में लगी थी, जिसमें अनुमानित लगभग जो है 10 लाख का नुकसान आ गया और बचाई संपत्ति 7 में लगती दुकानें, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान आया। सर, इसमें कारणों का कुछ पता चला? अज्ञात सूत्रों से या जानकार सूत्रों से ऐसा मालूम हुआ कि इलेक्ट्रिकल फायर से ही शॉर्ट सर्किट हुआ है। कोई जानी नुकसान नहीं? कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और शीघ्रता ही आग पर जो है काबू पाया गया। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।